दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं और मैथमेटिक्स के सभी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर की जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देख करके आप मैथमेटिक्स कंपार्टमेंटल का आंसर जान सकते हैं। यह एग्जाम 3 मई 2019 को सेकेंड सेटिंग में आयोजित हुई थी। तो देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन रहे इनसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबरिंग चेंज है, क्वेश्चन सबका सेम है। आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा कैसे? तो देखिए, सिंपल बात है आंसर मिलाने के लिए। जैसे यहाँ पर होता है कि 2 × डिटर्मिनेंट ABCD इस प्रकार से आपको दिया रहे, तो आप खोजिए आपके क्वेश्चन में यह क्वेश्चन किस नंबर में है। तब तक वीडियो को रोक लीजिए और फिर टिक करते जाइए। तो चलिए इनका सही ऑप्शन जानते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको रिजल्ट से संबंधित और ग्रेजुएशन में नामांकन से संबंधित सभी सूचना इस चैनल पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर एक है कि 2 × डिटर्मिनेंट ABCD। तो यहाँ पर देखिए, डिटर्मिनेंट में होता है क्या कि किसी एक ही रो या कॉलम में आप गुना कर सकते हैं। मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट में गुना हो जाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए एक का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर होगा डिटर्मिनेंट 2A 2C BD। अगला क्वेश्चन नंबर दो। तो क्वेश्चन नंबर दो यहाँ पर है कि इंटीग्रल ऑफ 2/x dx। तो देखिए, इंटेग्रल 2/x dx का वैल्यू क्या होगा? तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो 1/x का जो होता है इंटीग्रेशन वह होता है आपको log mod x होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनका सही ऑप्शन जो आपको होगा वह होगा डी। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में देखिए कि समतल 5x - 6y + 7z - 8 = 0 के समांतर किसी समतल का समीकरण है। तो देखिए, तीन का सही ऑप्शन जो आपको होगा वह होगा आपको ए, क्योंकि यहाँ पर देखिए समांतर समीकरण कह रहा है। तो आप लोग याद कीजिए कि समांतर समीकरण में क्या होता है, अंतिम में करता है। वैसे आप लोग जो बनाए हैं क्लास टेंथ में, तो क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि यहाँ पर प्लेन का समीकरण है, तो इसमें डी तक आता है। तो इसलिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 और डज नॉट इक्वल टू d1/d2 होता है। तो इस अनुसार देखिए आपका कौन ऑप्शन आएगा। तीन का सही ऑप्शन आपका आएगा ए, 5x - 6y + 7z + 5, यानी ये जो है आपका तीन मान xyz तक का ये सेम ही रहेगा, या सेम नहीं रहेगा तो इनका अनुपात सेम आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चार है कि sin θ × cos θ d θ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ sin θ cosec θ d θ, तो इनका क्या होगा? तो देखिए, sin θ × cosec θ का मान एक होता है, तो अब 1 × d θ, तो d θ का क्या होगा, इंटीग्रेशन θ होगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट किए जोड़ देना θ + k, तो चार का सही ऑप्शन आपको डी होगा, θ + k। क्वेश्चन नंबर फाइव, अवकल समीकरण x dx + y dy = 0 का हल है, तो इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, तो x dx का क्या होगा, x²/2 + y²/2 = आपको होगा k। अब 2 से गुना कीजिए, तो 2k को c मान लिया गया है, तो इसलिए 5 का सही ऑप्शन आपको होगा ए, आंसर होगा x²/y²= c, 5 का सही ऑप्शन ए। आप लोग अपना क्वेश्चन को मिलान करते चलिए। यह कंपार्टमेंटल एग्जाम 3 मई को जो आयोजित हुए है उनका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में उद्देश्य फलन है, तो उद्देश्य फलन जो होता है वह होता है लीनियर, रैखिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, sin inverse 1/2। तो अब जानिए साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सिंपल बात है 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 30 × 180। 7 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देख सकते हैं कि d sin²x/dx, तो sin²x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 sin x × cos x, और 2 sin x × cos x किसके बराबर होता है, तो sin 2x के बराबर होता है।
8 का सही ऑप्शन आपको होगा, ए आंसर होगा साइन 2x। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 5 की है, तो आपको क्या करना है कि 3, 2 और 5 को स्क्वायर करके रूट के अंदर में जोड़ देना है। तो आपको 3 3 9, 2 2 4 9 4 13, 5 25 38 हो गया, तो रूट ओवर 38। 9 का सही ऑप्शन आपको 20, बी हो गया रूट ओवर 38। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो ए का व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स हो, तो यहाँ पर देखिए इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। 10 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। वैसे भी सिंपल दिमाग लगा देना है, ए पर एक पावर, ए पर माइनस वन पावर, तो 1 माइनस 1 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 उनका मान क्या होता है 1। तो यहाँ पर आपको हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आई, उनको आई सूचित करते हैं, उनका वैल्यू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 तथा आई बराबर 1 0 0 1, तो ए आई का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं गुणा करेंगे तो 11 का सही ऑप्शन आपको आएगा बी आएगा, 1 2 3 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन, तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन एक्स अक्ष, अब एक्स अक्ष कर रहा है तो इसलिए क्या होगा, एक्स का मान होगा वाई और जेड का मान क्या होगा 0, तो इसमें आपको एक्स अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन आपको बी होगा 1 0 0। अगर वहीं वाई अक्ष की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाता, जेड अक्ष की बात करते तो डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13, इंटेग्रल ऑफ एक्स क्यू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में एक जोड़ देते हैं, जो पावर होता है उनसे भाग देते हैं, ये ट्रिक है, तो इसलिए 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा, 4 से नीचे में भाग लग जाएगा, तो एक्स पर पावर 4/4 प्लस के होगा, कि इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया, तो 13 का सही ऑप्शन आपको ए। क्वेश्चन नंबर 14, साइन इंटू, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कि साइन साइन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला ही है, देखिए साइन खत्म, रिलीज क्या हुआ एक्स, तो 14 का सही ऑप्शन आपको सी आंसर हो गया एक्स। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे, तो देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम वेक्टर अगर मल्टीपल में हो, क्रॉस में हो, तो उनका वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एंगल जो होता है 0 हो जाता है, तो इसलिए साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 0, तो 15 का सही ऑप्शन आपको होगा बी 0 वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16, 1 dx, तो देखिए dx का क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स होता है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे के, तो 16 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा एक्स प्लस के। क्वेश्चन नंबर 17, रैखिक अवकल समीकरण dy/dx प्लस y/x इक्वल टू x पावर 5 का समाकलन गुणांक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मांग रहा है, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है कि if इक्वल टू होता है e^ इंटीग्रल ऑफ, आपको यहाँ पर q का मान जो हो गया है, तो p का मान जो हो गया है यहाँ पर 1/x है, तो इसलिए e^ इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, तो आप देखिए 1/x का क्या होगा log x, तो e^log x, देखिए e^log a बराबर a होता है, तो इसलिए e^log x बराबर x होगा, तो इनका समाकलन गुणक जो होगा वो होगा x, यानी 17 का सही ऑप्शन आपको सी आंसर हो गया x। क्वेश्चन नंबर 18, a और b दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पी ए बी नॉट इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए स्वतंत्र घटनाएं हैं इसलिए पी ए बी नॉट इक्वल टू होगा पी ए इंटू पी बी नॉट, 18 का सही ऑप्शन आपको होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, यदि ए बराबर 1 2 3, तो ए से ए पर परिभाषित सभी एक एक फलनों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए कि एक एक फलनों की संख्या निकालना है, ए में कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, तो 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, तो 3 फैक्टोरियल का अर्थ हो गया 3 × 2 × 1, यानी 3 × 2 = 6, 19 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, टेन इनवर्स माइनस एक्स, देखिए टेन में जो इनवर्स के बाद एंगल में माइनस लगा रहे तो बाहर आ जाता है, तो इसलिए माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा, तो 20 का सही ऑप्शन आपको होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन होता है, तो देखिए प्रतिलोम कोई भी फंक्शन तभी इन्वर्सिबल होगा जब वह 1 1 और 1 2 होगा, यानी बाइजेक्टिव होगा, तो 21 का सही ऑप्शन आपको होगा बी, आंसर होगा 1 1 1 2। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देख सकते हैं कि अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0,
इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है, तो वो होगा आपको एक्स क्यूब बटा थ्री। तो एक्स के स्थान पर वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन हो गया थ्री, वो जीरो रखेंगे एक्स के स्थान पर तो जीरो हो गया, तो वन बाय थ्री इनका आंसर आएगा। तो 22 का सही ऑप्शन आपको का सी आंसर हो गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे जोड़ है सिंपल, 1 प्लस ए हो गया, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, 4 प्लस डी, ये तो सिंपल है। तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, डी लॉग एक्स बटे डी एक्स, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है कि एकदम 10 मिनट से फाजिल जो स्टूडेंट थोड़ा सीरियस होंगे उनको नहीं लगा होगा बनाने में। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1/x। 24 का सही ऑप्शन आपको डी आंसर हो गया 1/x। क्वेश्चन नंबर 25, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स बटे रूट ओवर एक्स। तो देखिए ये इनका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2√x + k। तो 25 का सही ऑप्शन आपको सी, सब सूत्र ही पूछ दिया है लगभग। तो 25 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, 2√x + k। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जे डॉट जे, तो इनका मान होता है 1। डॉट प्रोडक्ट में सेम वेक्टर का गुणनफल क्या होता है, उनका वैल्यू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, d√x/dx, तो इनका फॉर्मूला होता है 1/2√x। इनका सही ऑप्शन आपको बी, 27 का सही ऑप्शन बी, 1/2√x। आप अपना मिलान करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, समीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है e^5xdx + e^6ydy = 0 का हल है। तो देखिए यहाँ पर जो 5x है तो 5 से क्या होगा, x का जो गुणनफल है नीचे में भाग में आएगा, उसमें 6 जो है वो नीचे भाग में आएगा। तो e^5x/5 + e^6y/6 = k, तो 28 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, अब इनका मान देखिए सबके क्या करना है कि कंपोनेंट को गुना कर देना है। तो यहाँ पर i का कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट में 1 है और सेकंड में क्या है, तो 1 × 2 = 2 हो गया, 3 × 2 = 6, तो 6 × 2 = 8 हो गया, 4 × 3 = 12, तो 12 × 8 कितना हो गया, 20। तो 29 का सही ऑप्शन आपको होगा डी, आंसर हो गया 20। क्वेश्चन नंबर 30, तो देखिए 20 × 80 = 16, 85 में से गया 0, 30 का सही ऑप्शन आपको डी आंसर हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 31, यदि x बराबर साइन थीटा y बराबर कोस थीटा तो dy/dx का मान होगा। तो सिंपल बात है, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के सापेक्ष क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा, तो माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी -10 थीटा। तो 31 का सही ऑप्शन आपको बी आंसर हो गया, -10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा तल जेड एक्स तल के समांतर है। तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा y = k, क्योंकि जेड एक्स है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, जेड एक्स तल में तो वाई का वैल्यू 0 होगा, इसलिए वाई बराबर क्या होगा, के। क्वेश्चन नंबर 33, डी कोस एक्स, तो देखिए कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -sin x होता है। 33 का सही ऑप्शन आपको डी, -sin x। क्वेश्चन नंबर 34, e^log x dx, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा, देखिए डी नहीं होगा, इनका सही ऑप्शन आपको होगा सी, x²/2 + k। कैसे होगा, तो देखिए e^log x का मान जो होगा वो होगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 + k। तो 34 का सही ऑप्शन आपको सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, e^3x dx, तो देखिए इंटीग्रेशन इनका क्या होगा, तो देखिए x में गुना क्या है 3, तो इसलिए e^3x/3 + k, तो इनका सही ऑप्शन आपको होगा डी आंसर होगा, k + e^3x/k। क्वेश्चन नंबर 36, एफ फंक्शन a^b तथा जी फंक्शन b^c एक एक है, तो गोप a^c क्या होगा, तो ये भी एक एक होगा। तो 36 का सही ऑप्शन आपको होगा ए आंसर हो गया, एक एक। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर देख सकते हैं कि d(2sin²θ + 2cos²θ/dθ), तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लीजिए, sin²θ + cos²θ का मान क्या होगा 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, कॉन्स्टेंट राशि का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो 37 का सही ऑप्शन आपको ए आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 38, 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु AXYZ तो OA वेक्टर = क्या होगा, तो सिंपल बात है इनका डायरेक्शन जोड़ दीजिए xi + yj + z की है। तो 38 का सही ऑप्शन आपको होगा सी आंसर हो गया, xi + yj + z के। क्वेश्चन नंबर 39, तो यहाँ पर है कि sec²θ dθ है, तो sec²θ का क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा, थीटा के स्थान पर π/4 रखेंगे तो tan π/4 का मान 1 हो गया, tan 0 का मान 0, 1 0 में से 0 गया तो 1 हो गया। तो 39 का सही ऑप्शन आपको होगा बी आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 40,
यहाँ पर देखिए टिक जो मारा है उन पर नहीं जाना है, इसमें टिक गलत भी मारा हुआ है, किसी विद्यार्थियों ने टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि ए बराबर 3, 4, 5, बी बराबर 1, 2, 1, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो हम आंसर बताते हैं इनके अनुसार आपको चलना है। तो 40 का सही ऑप्शन आपको क्या होगा, देखिए 3, 1, 4, 4, 2, 6, 5, 1, 6, 40 का सही ऑप्शन आपको होगा, आपको ये होगा 4, 6, 6। क्वेश्चन नंबर 41, डी कोट एक्स बटा डी एक्स, डी कोट एक्स बटा डी एक्स, देखिए कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी 41 का सही ऑप्शन आपको होगा सी, आंसर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 42, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, माइनस नहीं लगा देना है, वो डिफरेंशिएशन में होता है लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, कोस एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस के, तो 42 का सही ऑप्शन आपको होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, डी ई पावर 3x बटा डी एक्स, तो देखिए ई पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3x के आगे में गुना क्या है 3, 3 से गुना हो गया 3 ई पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 3 × ABCD, तो देखिए ये जो है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना होता है, इसलिए 3A, 3B, 3C, 3D, देखिए किस में है, तो ये ऑप्शन डी में है, 44 का सही ऑप्शन आपको होगा डी। क्वेश्चन नंबर 45, यदि ए बराबर 1, 2, B बराबर 1, 2, तो ए बी क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो मैट्रिक्स है वो है आपको 1×2, दूसरा है 2×1, यानी 2×2 छंट गया, 1×1 मैट्रिक्स प्राप्त होगा, तो इसलिए 2×2, 2×2, 4, 4×1, 5। 45 का सही ऑप्शन आपको ए आंसर हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर L1, M1, N1 और L2, M2, N2 की डायरेक्शन कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो, तो कोस थीटा का मान होगा L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। तो 46 का सही ऑप्शन आपको सी हो गया, आंसर को आप देख सकते हैं L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2। क्वेश्चन नंबर 47, ए बराबर 1, 2, -1, -3, तो ए ट्रांसपोज होगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में कॉलम रो में बदल जाता है, तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1, 2, -1, 3, इनका सही ऑप्शन आपको बी, आंसर हो गया 1, 2, -1, -3। 47 का सही ऑप्शन आपको बी। क्वेश्चन नंबर 48, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो देखिए इनका मान होता है π/2, 90° के बराबर होता है, तो देखिए ऑप्शन किस में है डी में, तो 48 का सही ऑप्शन आपको डी, आंसर हो गया π/2। क्वेश्चन नंबर 49, अवकल समीकरण डी एक्स बटे एक्स डी वाई बटे वाई इक्वल टू 0 का हल है, तो देखिए इनका देखिए इंटीग्रेशन साइन इंटीग्रल साइन लगाएंगे तो क्या होगा, लोग एक्स प्लस लोग वाई इक्वल टू आपको होगा सी हो गया। तो देखिए चूंकि जोड़ में इसलिए क्या हो गया एक्स इंटू वाई, अब सी को आप मान सकते हैं कि ऐसे लोग सी को आप ले सकते हैं कि के बराबर मान लिया गया है, तो इसलिए एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा इनका के हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, अब देखिए कि मॉडुलस ऑफ जे, तो ये यूनिट वेक्टर आप देखिए इनका मान 1 हो जाएगा, 50 का सही ऑप्शन आपको हो गया अभी। तो यहाँ पर आपने सभी 50 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर जाना, हमने भरसक समझाने का प्रयास भी किया है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी सही आंसर मिलान कर सकें, इसमें इस आंसर में कोई कोई त्रुटि नहीं है, 0% त्रुटि मिलेगा। फिर भी अगर रिकॉर्डिंग में हमसे मिस से बोला गया हो, रिकॉर्डिंग में मिस हो सकता है, लेकिन यहां पर हमने पूरी सावधानी बरती है, फिर भी कोई मिस हो तो कमेंट करके बताएं। आप हमारे फेसबुक पेज सम्राट सर से जुड़ जाए, वहाँ पर आपको फेसबुक पर जाकर के सर्च करना है सम्राट सर, और जैसे ही सर्च होगा तो वहाँ से आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, किसी भी सवाल का सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ से हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आप लोग मधेपुरा सहरसा सुपौल के स्टूडेंट हो तो आप हमारे ब्रांच मधेपुरा में सम्राट सर से जुड़ सकते हैं, यहाँ आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।